हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि 4453 सीटों में क्या आपका एक सीट पक्का है। और इसमें हम साथ ये भी दिखाएंगे दोस्तों कि 64% लड़कों ने जो है अपनी पसंद दिखाई है राजस्व कर्मचारी। पूरा डिटेल से इसमें वर्णन किया गया दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहली बात दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आपका काउंसलिंग हो गया है, सभी चीज़ें सही है, आपको कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिलेगा, आप निश्चित रहें। इसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ये चीज़ आप समझ लें। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कल का ये आप देख सकते हैं, BSSC में आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। ये ग्रुप में पूरी तरह से वायरल हो रही थी। इसमें देखिए दोस्तों, 24% आप देख सकते हैं लड़कों ने कन्या लेखा लिपिक को पसंद किया, यानी पहला प्रेफरेंस ये डाला है। 64% लड़कों ने राजस्व कर्मचारी डाला है और 12% लड़कों ने आप देख सकते हैं पंचायत सचिव को फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है। टेंशन की बात कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन एक ताजुब की बात यह है फ्रेंड्स कि सेम हूबहू डाटा आप देख सकते हैं जो यहाँ आपको हमने एनालिसिस दिखाया है, ये स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत पहले ही ये जो है प्रेडिक्शन किया गया था, वोटिंग करवाया गया था, जिसमें सेम टू सेम मैंने जब देखा कि पंचायत सचिव में भी देख सकते हैं कि 12% यहाँ भी 12% है पंचायत सचिव में, और यहाँ भी 12% लड़के ने। इसमें देखिए दोस्तों, 1204 लड़के ने जो है कुल वोट किए थे, लेकिन इसमें 41 लड़कों ने वोट किया है। और इसमें राजस्व कर्मचारी की बात करें तो 64% सबसे अधिक लड़कों ने इसी को पसंद किया है। और यहाँ की बात करें दोस्तों राजस्व कर्मचारी में, यहाँ भी 64% लड़कों ने सबसे अधिक इसी को पसंद किया है। मतलब साफ है कि लगभग 60 से 65% छात्र ने पहला प्रेफरेंस राजस्व कर्मचारी को डाला है। अब बात कर रहे थे दोस्तों कि 65% या 60% का मतलब कितना होता है। आपको पता है कि लगभग 12,500 छात्र ही हैं काउंसलिंग जिसका हुआ है, और इसका अगर दोस्तों हम 60% निकालते हैं, इसका 60% तो लगभग आपको बता दें कि 7,500 के आसपास निकल कर आता है डाटा। मतलब लगभग 12,500 में 7,500 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने पहला प्रेफरेंस राजस्व कर्मचारी को डाला है, ये तो कन्फर्म हो गया। लेकिन सीटों की अगर बात करें दोस्तों, आपको पता है कि कुल सीटों जो है वो 4453 सीट है। तो लेकिन 4453 में सीटों में से क्या सभी छात्रों का जो फर्स्ट प्रेफरेंस डाला है उसका होगा? तो दोस्तों, जिसके मार्क्स अधिक होंगे उसका तो राजस्व कर्मचारी में होगा, जबकि आपको पता है कि राजस्व कर्मचारी का ही जो है ग्रेड पे जो है वो 1900 का है। बाकी कन्या लेखा लिपिक तो आपको पता है कि 2400 ग्रेड पे का है। पंचायत सचिव जो है दोस्तों ये 2000 राजस्व कर्मचारी 1900 ग्रेड पे, और इसी को सबसे पहले लड़कों ने जो है पहली पसंद अपना दिखाया है। मतलब साफ है कि 4453 सीट तो भरे जाएंगे, बाकी जो सीटें बढ़ जाएगी 7,500 में, उन्हें कोई ना कोई दूसरा पोस्ट अपने मार्क्स के हिसाब से उन्हें दे दिया जाएगा। तो मतलब साफ है दोस्तों कि जिसका भी काउंसलिंग हो गया है, चाहे वो ओल्ड NCL हो न्यू NCL हो, कोई किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेना, सारा चीज मान्य होते हुए मेरिट लिस्ट आ रहा है। और दोस्तों, आपका कोई ना कोई सीट एकदम मिलने जा रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, नेगेटिव आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है। अरे, आपका सीट आपने काफी संघर्ष मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है, आपको कोई ना कोई सीट मिलने जा रही है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इस चीज को आप समझ लें। दोस्तों, यही कुछ अपडेट थी, मैंने दिखाने थोड़ा सा प्रयास किया कि कितने लड़कों ने इसको पहली पसंद दिखाया है। 64% लड़कों ने पसंद किया है, लेकिन 64 44 53 सीट भरने के बाद जो सीटें बचेंगी, किसी न किसी जो दूसरा तीसरा प्रेफरेंस डाला है, कोई ना कोई एक प्रेफरेंस उसका मिलेगा। मतलब साफ है कि कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।